अगर समास का अर्थ होता है शॉर्ट यानी छोटो करनो यानी जो आप हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त। संधि का काम क्या था? संधि का काम कोई शॉर्टकट नहीं था, वहां पर दो वर्णों के बीच में अभिक्रिया होगी और कोई तीसरा एक वर्ण बनेगा। जबकि ये क्या करता है, जैसे शुद्ध भाषा कौन सी मानी जाती है, जिस भाषा को जितना छोटा करके बोला जाए, लंबा वाक्य जैसे आपके भी वाक्य शुद्धि आती है तो कहते हैं नहीं ये अनावश्यक शब्द है इसको हटाओ, मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, तो इसमें कहते हैं केवल और मात्र दो बार कौन बोल लो, एक बार ही आओगे। तो जितना हम भाषा को शॉर्ट करके बोलेंगे ना उतनी भाषा शुद्ध मानी जाएगी कि एकदम बढ़िया बोलियो यानी थोड़ो बोलियो पर छोरे काम की बात बोलिए, यहां सीधा ही कह दे कभी लियो मेरी मी, समझ गए तुम। अलग अलग टाइम आ, पहले टाइम आ तो सीधा शॉर्ट बोलता दोस्ती, फिर कहता मैं प्रेम, आजकल के सीधो विल यू मैरी मी, मतलब बीच का स्टेप ही गायब कर दिया, बीच का स्टेप जगह गायब करना मेरी शॉर्ट करना जो कोई नहीं वो ही एक तरीको जी हम वो हो गये। शब्द है दही में डूबा बड़ा। अब इसने क्या किया, ये बीच वाले शब्द गायब कर दिए, शब्द गायब किए वर्ण नहीं किए, इसने पूरे के पूरे शब्द ही गायब कर दिए और ये दोनों शब्द आ गए नजदीक। क्या बना, जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी, अब यहां पर उसने इतने शब्द गायब कर दिए बीच के और शब्द बना दिया रेलगाड़ी। संधि के अंदर वर्णों में गड़बड़ होगी, समास के अंदर शब्द गायब होंगे यानी बीच का पूरा शब्द गायब कर दिया। अब हिंदी में समास के कितने प्रकार है, कितना है, मूल रूप से चार है लेकिन आज तक एग्जाम में पूछे इतनी बार ये ऑप्शन क्या है, मूल चार ही है लेकिन अलग करके बोले छह ही मान लियो, क्यों दुखी करो, अलग अलग ही पढ़ा ले, आप भी अलग अलग पढ़ा पूरा छह पढ़ा। पहला अव्यय भाव, दूसरा दो है नी, ये दो ही ज्यादा कंफ्यूज करे तत्पुरुष, तीसरो द्वंद या दिगु, चौथो अरे मूल बात करा पहली, इनके नाम भी आपको नहीं रटने हैं क्यों, नाम रटने की गड़जरूरत है, अगला ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन तो देगा लिखित पेपर तो है ही नहीं, सबसे इजी पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, उत्तर आपके सामने है है तो बात आराम कंफ्यूज, उसके बाद थोड़ा सा टफ होता है लिखित और उसके बाद सबसे टफ होता है इंटरव्यू, के पता इंटरव्यू मांग लो के पूछे तो इन मान तो ऑप्शन सामना आओगे भी रटने ही गड़जुर बिल्कुल ही रटने ही जुट को नहीं, चार है ऑप्शन सामने देखो। लेकिन दो और बच गई, एक तो बच गया कर्मधारिय और एक बच गया द्विगु, ये दो इसके भेद है लेकिन अपने हिंदी विद्वानों ने लगभग जैसे एनसीईआरटी भी छह ही लिखती है चार नहीं लिखती, हिंदी विद्वान भी इनको अलग से मानने लगे, बोले ओ पांचों कर दो ओ कर दो छठ, एक शब्द में तीन तीन समास हो सकते हैं, एक शब्द में दो दो समास हो सके, और एक तो इश्यू है जगन बहुबरी में तो कुल से ही समास नहीं लीजिए थर जितने जगन लीजिए, लेकिन हमें समास हमेशा डिपेंड करता है विग्रह के ऊपर कि आप उसका विग्रह किस प्रकार करोगे वही समास होगा, बस वो थोड़ा सा अंतर देखना अपन, एक एक उठा लिया एकदम इजी से कोई ज्यादा टप को नहीं, सबसे पहले कौन सा उठाएंगे, क्या करना है देखो, कोई ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी है, दिमाग ज्यादा लगाने को नहीं है कि पांच सात दिन और बच्चे, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, सबसे पहले शब्द है अव्य, अव्य पटेड़ा है हिंदी अवे भाई जी, चोखा चोखा विद्वान कौन छांट सके, तो आपने फिर औकाती की है, बिना अवे भी ऐसा ही बन सको, अवे अवे छांटना हर किसी के बस की बात नहीं, हिंदी विद्वान भी कंफ्यूज हो जाएंगे अवे शब्दों के अंदर, तो फिर अपन तो ही कौन भी अव्य की खाकड़े, यानी ये मान लो कि उपसर्ग जो है ना वही अवे, यानी का वो कर दो, सीधा सा ध्यान रखो कि अव्यय भाव समास में पहला पद हमेशा क्या आएगा उपसर्ग, तो फिर प्रधान भी कौन होगा उपसर्ग होगा, यानी इसमें पहला पद क्या होता है प्रधान,
अब आप छांट कौन सा कहा पहले पद प्रधान किया है कि है इतना नॉलेज गहन अध्ययन करने के बाद ही आएगा। तो बितना भी अपन माता क्योंकि पूछ सकता है, पूछेगा ऐसे, पिछली बार ऐसा ही में आया था 2011 वाले में आया था, किस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है वह द्वितीय पद प्रधान होता है। कई बार परिभाषा भी पूछ लेता है कौन से समास की विशेषता है, तत्पुरुष समास की। तो ए का करना है वो, यानी इसमें हमेशा उपसर्ग आएगा। उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग है मैन, तीन चार उपसर्ग काम में आई जाए आगे अंदर, आ है, स है, यथा है, भर है, तीन चार उपसर्ग ही काम में, यानी जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो, बे, अब बे कोई गाड़ी को नहीं है, बे एक उपसर्ग है, बेरहम बेकदर बा भी एक उपसर्ग है, बेर बा अलग अलग वह एक ही है, वो बा वफा है तो मेरे घर आएंगे, बेवफा है तो कुब्जा के घर जाएंगे, कुब्जा कुणी, कुब्जा कुणी, कुब्जा वो दे वो कृष्ण की नगरी है, उधर ज्यादा पूजे जाते हैं भरतपुर साइड में कृष्ण, कुब्जा, बा वफा बेवफा दोनों शब्द अलग अलग है, दोनों ही उपसर्ग है। बाकायदा, बा का अर्थ साथ होता है, बे का अर्थ अलग होता है, दोनों के अलग अलग है, तो बे एक उपसर्ग है, यानी कि समास की पहली विशेषता यह कि पहला पद उपसर्ग आएगा। नंबर दो बात, अगर कोई शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कोई दो शब्द कंटिन्यू आ रहे, जैसे धड़ाधड़ पल पल, तो दो शब्द अगर लगातार कंटिन्यू आ रहे तो भी उसमें कौन सा समास होगा? अव्यय। अब देखो इनका विग्रह देखते हैं अपन, देखो विग्रह एकदम ईजी, इसका इसका कभी विग्रह नहीं पूछा जाएगा, विग्रह हमेशा पूछा जाता है तत्पुरुष समास का, कि तत्पुरुष में गड़बड़ हो जाएगा, सिर दर्द सिर में दर्द करूं, सिर का दर्द करूं, कन्यादान कन्या का दान करूं, कन्या के लिए दान करूं, क्योंकि भूत बलि भूतों की बलि करूं, भूत के लिए बलि करूं, हमेशा विग्रह तत्पुरुष समास का ही पूछा जाता है। भूत बलि हो क्या, वो भूत की बलि, मतलब भूत ने पगड़े साड़े पगड़े चढ़ा दे, क्यों पकड़ ले हो गए, के कौन दिखा है? हाँ फिर भूत की बलि क्या, देखो तो भूत के लिए बलि है भी, हम देवताओं को बलि दे रहे, देवताओं के लिए बलि, जब बकरो चढ़ाई करें भैरू जी गए तो भी हिसाब वो भैरू जी चढ़ाई जाए, शेर भैरू जी थोड़ी चढ़ाई जाए, चलो जो भी है, हैं देखो इसका विग्रह नहीं पूछा जाएगा, सीधा सीधा विग्रह इसका अनजाने अनजाने में हो गयो मेरू कॉल, क्योंकि पुराने टाइम में होता है रॉन्ग नंबर लाग गया, वो नंबर तो सही है मैं उठा लिया, रॉन्ग लाग गया हो गया, तो अनजाने में यानी बिना जाने बेखटके, यानी बिना आवाज करे सीधा सीधा अंदर आ जा, बेखटके बिना खटके, आवाज खोल करनी बिल्कुल ही, मोबाइल साइलेंट में करके जानो हमेशा, तो समझ रहे नहीं बात ने, यथा साध्य जैसा साध्य हो, कभी 2 रुपया 5 रुपया जो भी है, यथा स्थान कैठी बैठनो है, एंगल बिठा के कौन बैठनो है, दिल्ली एक जगह बैठे भी टाबरी मन ध्यान रखनी पड़े, क्योंकि वो कन्वर में एंगल बिठा के बैठे घटी, जगह चेंज होती जा रही है नी, जगदी ने एक जगह बैठने लग जाए नी टाबर आता ही, वो सीधो एंगल बिठाए बैठे 60 डिग्री या 40 डिग्री, बिन बोर्ड कोई मतलब को नहीं है, तो यथा स्थान यानी जो स्थान क्या है निधन, यावत जीवन जब तक जीवन है, यावत जीवन प्रतिवर्ष प्रति, सीधा सीधा है इसका विग्रह, यथा शीघ्र जितना जल्दी हो उसके जितना शीघ्र हो, दर असल दर हकीकत, हकीकत में दर एक उपसर्ग है, बेफायदा बेफायदा कौन ज्ञान दे, कोई कौन दे ज्ञान, बे कानो कान यानी किसी खबर का कानो कान, कान ही कान हो एक तरीको, यानी बहुत जल्दी कोई खबर फैल जाए, जाते थे कोई कबाड़ो कर लियो थे घरे कौन पुगो बो पहली खबर का मैं पूग जा, वो कानो कान खबर पहुंचना, बार 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 एक तरीके को समय का, बार बार मान लाग रहे हो, बार बार में कोल आन लाग रहे, यानी बार के बाद बार, धड़ाधड़ जे कुटीज गयो कुटीज ते 5-7 और आगे बुलर के बात हुई, बोले एक्सीडेंट हो गया कौन करे वलन करे 5-7 जना बे और वेल दे, वो है धड़ाधड़ यानी धड़ के बाद तुरंत धड़, खाईड़ी ही मार कर दी, कौन खाई डी बस बस में छेड़ ली फिर उपड़ जाओ, आदमी आदमी मार खाता कितो टेम लागे, मुना दरी टेम को लागे ना, तो कोई सहयोग करे, अब मान लियो आदमी
कि नहीं छेड़ दिया तुरंत पिटी जिया को, अरे इसे हो जाओ उल्टो हो जाओ, मान लो सोचो थार सा इसे से कोई छुरी थान छेड़ती, मान एक बार सिर्फ कल्पना करो। अब देखो अब थे अगर थारे दोस्त ने कोगा फिर क्या कहो, रहन दे रहे न छेड़, मान ले थारा होगी ना पुलिस में जाऊंगा थानदार जी के कहेगा फिर जिया सलमान खान है बोलो तू, तो उल्टो भी हो जा तो उल्टो कौन नहीं वैसी किस्मत घटे अपनी कि कौन सो बताओ सुनने बाद सुन लो, मतलब चार पांच गाल काटी पांच सात आग और काटी फिर कह दी रिकॉर्डिंग करे तो कर ले वो क्यों है सुनना सुननी यानी सुनने के बाद सुनना साफ साफ बोल यानी साफ के बाद साफ, निडर हो जाएगा सीधा बिना डर कुशलता पूर्वक कुशलता के साथ यथाशक्ति यथा उपसर्ग इसी में आएगा शक्ति के साथ आमरण यानी मैं आमरण अनुसरण करूंगा यानी मरने तक आजीवन आजीवन मैं ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा तो जीवन पर्यंत सह परिवार हो जाएगा परिवार सहित हर रोज हर का अर्थ क्या होता है रोजाना ही व्यक्ति को बेखूबी खूबी सहित बेकार तो है नहीं बेकार है सहित रातों रात इसका थोड़ा रात के बाद रात मत कर देना कि रातों रात चोरों ने हाथ साफ किया तो रात ही रात होता है यानी रात ही रात में रातों रात फरार हाथों हाथ कहने तेजा जी हाथों हाथ ही परचो दियो तो हाथों हाथ के बाद हाथ यानी हाथों हाथ पल 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 के बाद पल धीरे 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 के बाद धीरे जब इन्हें लेते हैं पहले गाड़ी में उतरेगी उतरता है भाई एकदम धीरे धीरे चलेगी एकदम धीरे धीरे देखे डिगो नहीं कभी गाड़ी में उतरती थे वो धीरे धीरे यानी धीरे के बाद में धीरे 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 बाद में बाढ़ कूद जाएगी बी टेम धीरे चाले घड़ी 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 के बाद घड़ी यथा भरपेट पेट भरकर यथा कर्म हर साल होगी दिनों दिन बीचों बीच बीचों बीच बीच के भी बीच में बीच के बाद बीच ना कर दिए बीच के भी बीच थोड़ा सा अर्थ तो सही निकलना चाहिए आप ही आप दिखो थे तो आप ही आप ओहो थोड़ी सी न्यूज मिली तो हम घर घर जाके बताइए यानी घर के बाद घर बागम बाग भागने के बाद भागना भागने बाद भी भागना उसके मान चोरी करके भाजा दो तीन किलोमीटर जा गया अरेस्ट करे चलो अब तो कोई पुलिस आ रहा को नहीं तो हम साइरन सुने और भाजना पड़े तो वो होता है भागने के बाद भागना विग्रह लिख लियो पहले हेडिंग डालो समास समास का अर्थ है संक्षिप्त संक्षिप्त छोटा रूप समान रूप जो भी लिखो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं शब्द होते हैं यहां पर ध्यान रहे शब्दों के मेल को समास कहते हैं समास कहते हैं मुख्यतः चार भाग है मोस्टली टाइप्स ऑफ फोर टाइप्स मुख्यतः चार भाग है मुख्यतः चार भाग है पहला नाम लिखो अव्ययी भाव समास वैसे ध्यान रखना छह ही आता है लगभग ऑप्शन लेकिन वो लैंग्वेज देख लेना मुख्यतः पूछ रहा है या मूल कितने समास है ऐसा शब्द दे रहा है या सीधा समास पूछ रहा है सीधा पूछे तो छह हो जाएगा वैसे आज तक जितनी बार पूछा है दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं दिए उसने चार और छह में से तो मुख्यतः छह को छह है भी यहां लिखना है गलत ना लिखे करो छह शब्द शब्द शुद्धि में बहुत बार आता है छह हमेशा ऐसे लिखा करो शब्द शुद्धि में कई बार पूछ लिया इसको लिखो अव्ययी भाव समास नंबर दो लिखो तत्पुरुष समास तय आदो तय पुरुष समास तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास के आगे दो लाइना खींच के कर्मदारिये और द्विगु समास कर्मधारिय समास और द्विगु समास यानी तत्पुरुष के आगे ऐसे लाइन खींच के कर्मधारिय समास और द्विगु समास यानी इसी के पार्ट है कर्मधारिय द्विगु समास द्विगु समास तीसरा लिखो द्वंद्व समास द्वंद्व समास द्वंद्व समास चौथा लिखो बहुव्रीही समास बहुव्रीही कर देना ब्रीही मत लिख देना बहुव्रीही समास बहुव्रीही समास
एक नंबर लिखो अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास। देखो प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, अव्यय का मतलब उपसर्ग ही समझो, प्रथम पद अव्यय होता है। इसमें मुख्यतः, इसमें मुख्यतः यथा कोमा प्रति कोमा भर भर भरपेट भर से परिवार सहित से परिवार यथा प्रति भर हर आदि उपसर्ग आते हैं, मुख्यतः ये आदि उपसर्ग आते हैं। यथाशक्ति कई बार पूछ लिया उसे, आदि उपसर्ग आते हैं। दूसरी विशेषता शब्द की पुनरावृत्ति हो तो अव्यय भाव समास होता है, जहां शब्द की पुनरावृत्ति हो वहां अव्यय भाव समास होता है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, यानी अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद का मतलब जैसे मंद बुद्धि शब्द है तो इसे पहला पद है मंद, दूसरा पद है बुद्धि। मंद शब्द या महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें यह पता चल रहा है कि बुद्धि कितनी है। अब मान लो सीधा बुद्धि लिख दे तो बेरोचाले बुद्धि कितनी है, कम है ज्यादा है थोड़ी है ही को नहीं। तो इसके हिसाब से पहला पद महत्वपूर्ण होता है जो आगे वाले पद के बारे में बताता है कि क्या विशेषता है। चलो विग्रह लिख लो, शब्द लिखो आगे विग्रह लिख लो, अनजाने बिना जाने रोबोट डाले कि पड़जिया को नहीं टांगड़ी टूट जी, एक टांग मेरू को न पटाई जाओ। यथा साध्य जितना साध्य, यथा स्थान जो स्थान निर्धारित, यावत जीवन जब तक है जीवन, थनावे भी नया वो देख लिया, प्रति वर्ष प्रत्येक वर्ष, यथा शीघ्र जितना शीघ्र हो। दरअसल असल में बेफायदा बिना फायदा कानो कान, कान ही कान में बार 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 के बाद बार धड़ा धड़ धड़ के बाद धड़, नीडर गैप कौन छोड़े यार मन बिना डर, कुशलता के साथ यथाशक्ति, शॉर्ट में लिख लियो रे जितनी शक्ति। विग्रह इसका नहीं पूछा जाता है, आमरण मरण तक, जीवन पर्यंत, सह परिवार परिवार के साथ या परिवार सही जो भी लिखो, हर रोज प्रत्येक रोज, रोज लिखना रोज ना लिख दिया वह खूबी, रात ही रात में, हाथ ही हाथ में, पल के बाद पल, धीरे के बाद धीरे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा समाज? तत्पुरुष समाज। पहला तो इसका ध्यान ये रखना ना कि इसको दो पार्टों में बांट लेना इस शब्द को, कि एक शब्द तत् है दूसरा शब्द पुरुष है, यानी पहला शब्द तत् है दूसरा शब्द पुरुष है, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है? पुरुष। और पुरुष क्या है? प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज है अपना। महिला प्रधान कब था? सिंधु घाटी
कद मातृसत्तात्मक समाज कब था? कौन कहो वैदिक काल में बता, तू कहो, तेरे कह थोड़ी वे किताब तू थोड़ी लिखी कट सुनी, कौन सुनाई तने इसी पकड़ी लिया भी मास्टर ने, कौन सुनाई? अच्छा सुनाई क्यों ना, मेरे पर गिरती है सारी। सिंधु घाटी समाज जो था वो मातृसत्तात्मक समाज था, वहां महिलाओं की मूर्तियां मिली है। वैदिक का मतलब आर्य सभ्यता, मान लो भगवान राम, भगवान राम में ग्रीकिंग ही चलती, दशरथ ही चलिया करती, पिता की चलती थी, वो पितृसत्तात्मक समाज था। या फिर भगवान राम अपना परिचय कैसे देते थे, मैं दशरथ पुत्र राम, जबकि कृष्ण अपना परिचय कैसे देता है, मैं यशोदा पुत्र कृष्ण, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, परिचय के आधार पे होता है। आज मैं आपसे पूछूं तो आप अपनी माता का नाम नहीं लेते हो, पिता का नाम लेते हो, और भीष्म के पिता का नाम क्या है लोग जानते ही नहीं, सबको पता है वो गंगा का पुत्र था। तो एक समय ऐसा भी आया था कि जब माता के नाम से लोग पहचाने जाते थे, तो राम के माता का नाम बोत्सान कौन बेरो, सुमित्रा ही कौशल्या नाम हो के नाम हो बोतान कौन बेरो, सुमित्रा नंदन कौन था वे, लक्ष्मण। यानी ये समाज अपना पुरुष प्रधान समाज है, और दूसरा पद इसमें क्या है, पुरुष है। तो ऐसे याद रखना कि इसमें द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान। ये तो परिभाषा के लिए हम नहीं पहचान पाएंगे, हमें जब शब्द देगा तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि दूसरों पद देंगे मतलब तत्पुरुष है, अब भूल ही जाओ। अब बात ये कि पुरुषों के अनेक प्रकार है, ये मान लो पुरुषों की अनेक विभक्तियां हैं। विपुरुष सारा एक जैसा तो ही कौन सके, ना महिला एक जैसी हो सकती है ना पुरुष एक जैसे, तो पुरुषों की अनेक प्रकार की विभक्तियां है। यानी इसके अंदर क्या आती है, कारक की विभक्तियां आती है। कारक कितना प्रकार गए, 8। छठी क्लास में पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके के अधिकरण में पेपर है, छठी क्लास में पढ़ा हो गया, बस भाई काम आओगा हमेशा कर्ता ने कर्म को। यानी इसमें पहला यानी कर्ता वो नहीं आएगा, लास्ट वाला कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण वाला, पहला और लास्ट विभक्ति नहीं आएगी। यानी कितनी विभक्ति आएगी, फिर 6 विभक्ति आएगी। यानी तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे ये शब्द है, ये कर्म तत्पुरुष के उदाहरण है, कर्ता नहीं आएगा, कर्म से शुरू होगा क्योंकि कर्ता और लास्ट वाली विभक्तियां नहीं आएगा। तो कर्म की कौन सी विभक्ति है, को, तो इसका जब विग्रह करोगे तो आप कोल शरणागत, शरण को आया हुआ, जैसे शरणागत वत्सल भगवान श्री राम, तो शरण को आया हुआ गगन चुंबी, गगन यानी ऊंची जो इमारत है गगन चुंबी इमारत बोला, गगन को चूमने वाला, ये चूमने वाली कह दे की बात, चीड़ी मार कह रहे, चीड़ी मार बन जा रहे ने बैल की समर्थि में, तो चीड़ी मारना यानी पूरा हमारे कागले ने मार लेगा, क्योंकि वही वह सलमान खान वर्गो हिरण ने भी मार दिए, तो वो है चीड़ी मार यानी चीड़ी को मारने वाला। मनोहर, मनोहर दृश्य देखा मैंने यानी मन को हरने वाला, यानी चीज अच्छी लागे। वन गमन, भगवान वन को गमन, यानी को बीच में पूरो पूरा बारह काट दियो। दिल तोड़, लेकिन दिल फेंक वे एक दिल तोड़ वे, यानी दिल को तोड़, दिल फेंक के हो गो, दिल फेंक के वे फिर क्या हो, दिल फेंक सी के नाम तो सगड़ा सुनेड़ा है, दिल को फेंकने वाला और दिल को तोड़ने वाला, जी भर के जीवन कन जी जीवड़ो है, जी को भरने वाला, या कोई सदृश्य वैगे देखी बोकरो, यानी जी भर के हमने देखा, यानी जी को भरने वाला, जी जीवड़न बोले हार्ट वैगे, मुरलीधर जेब कतरा, सुखप्रद सीधो करते सुख को प्रदान, सुखप्रद सुखप्रद दर्शे मन को, मुंह तोड़ यानी मुंह तोड़ जवाब दियो पाछो, यानी दो गाल सुनाते हैं अगलो पाछी चार सुना दे, वे मुंह तोड़। दिल कर, दिन कर, दिन कर किंग अपराई वाची है, रात तेरी, हाँ इतना होशियार है। करण में क्या आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, विग्रह कर दो सीधा सीधा, तुलसी कृत, तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत, ज्यादा वैसे गलत नहीं है तुलसी से कृत,
लेकिन इसमें यह भी तो आता है के द्वारा, यानी कोई राइटिंग किसी की लिखी हो तो हम यही कहते हैं कि ये फलाण सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, यानी तुलसी के द्वारा कृत ज्यादा सही होगा। मनमानी बहुत मनमानी करे, मन से मानी मनमानी, आपके मन की माना भाई तो गुण युक्त, अगर गुण मुक्त हो जाता तो फिर समास कौन सा होता? ये गुण युक्त में तो है करण और गुण मुक्त आगे जिक्र करेंगे। मन चाहा रस भरी, मन माना दोबारा लिख दिया गया तारों भरी। अरे तारों भरी रात को नहीं करेंगे, तारों भरी तारों से भरी। बिहारी रचित के द्वारा ज्यादा सही होगा, बिहारी के द्वारा से भी गलत नहीं है। रेखांकित रेखा के द्वारा अंकित ज्यादा सही है, से द्वारा गलत नहीं है लेकिन ज्यादा सही है। जग हसाई कहां जाओगे जग हसाई के बाद? जग हसाई जग हसाई क्या कहे नाम सुने डो कौन के, जब लोग आप पे हंसने लगे क्यों हंस तो बान है ही है। जग हंसाई यानी जग के द्वारा, यानी कोई सी थोड़ी बात आ जाए सामने, वीडियो आ जाए, मान लो लोग देखे हंस लाए भाई जग हंसाई ठीक है। संप्रदान के लिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, हवन सामग्री वो सामग्री जो हवन के लिए है, रसोई घर रसोई के लिए घर, हथकड़ी अब कई वो क्रिया होगा हाथ से बनी कड़ी, अभी हाथ कौन सी कड़ी बनने लगी, यानी आजकल तो हथकड़ी नहीं है कोई, कुछ संगीन अपराधों में लगाते हैं, बाकी लगाते ही नहीं वैसे, नॉर्मली अपराधी को ले जाते हैं, ये नियम बना दिए गए, या तो पुलिस वाला ऐसे हाथ डालेगा या पिछले मिन भेर होगा गठों पकड़े कौन बाज सके, तो बे अटसिक बेल्ट का हाथ गाल ले बाद वो टांगड़ी अलावा वगैरह बाज कौन सके, तो वो है कि हथकड़ी यानी हाथ के लिए जो कड़ी होती है ना स्पेशल, वो हथकड़ी है पुराने टाइम में फिल्मा में चलिया करती। सभा भवन, आवेदन पत्र, डाक गाड़ी गाड़ी जगी डाक खातरी है, शिवालय और शिव काले भी सही है गलत है, अर्थ निकलना चाहिए शिव काले में भी वही अर्थ निकल रहा है और शिव के लिए आले अर्थ तो वही निकल रहा है भाई, शिवालय जिसको शिवजी का शिवजी हो गए वो तो दोनों में अर्थ तो एक ही निकल रहा है, जैसे विद्यालय है विद्या के लिए और विद्या काले अर्थ एक ही निकल रहा है। परीक्षा भवन परीक्षा के लिए भवन, कन्या विद्यालय भूत बलि, हाँ भूत की बलि मत कर देना, भूती बलि देने अपनी औकात को नहीं थी, भूत ने बलि दे जाएगी यानी पितरान देकर आनी, पितर भूति तो वह और की वह भी भूत को थोड़ा सो की एक हाई वर्जन है यानी थोड़ा सा प्रमोशन हो गया भूत को, जो को थोड़ी सी अपनी हेल्प कर दे, भूत थोड़ी सी हेल्प कौन करे, अभी तो यंत्र है पितर जगावे नहीं, चलो है पितरान मानना यान सगड़ा ही मानना, पितरान कौन कौन माने, अरे साल में एक दिन है वो थोड़ा सा कागलेन खुआ दे कर और बेचारा आगे क्यों कौन मांगे बे, गया जगह पाछा को नहीं आवे बुकड़ा मार बोग रे दादो जी आज की करे क्यों नहीं आवे पाछा, तो अपनी यहाँ एक रीति रिवाज है चलाईडी है, तो जेब खर्च पॉकेट मनी, पॉकेट मनी जेब के लिए खर्च, रनवास रंडवास कौन सो रनवास क्यों तू बता, अरे आपने राजा महाराजा ने रनिवास या रनवास होया कर तो, हाँ बादशाह के लिए होया कर तो हरम, अब जी बादशाह ने मसाज करानी है तो वो बेचारा थाईलैंड थोड़ी जागो बेटे, तो वो क्या कर तो वो हरम में जाया कर तो बट जितनी भी महिला कोई उठा गए लेडीर कोई ब्याह डीर बे बादशाह के फिर मसल के तेल मालिश कराया करती, और आपने राजा महाराजा की हो तो रनवास यानी रानियों का वास या रानियों के लिए वास अलग में बने हो तो बट पुरुषा की एंट्री नो एंट्री होया करती तो वो तो रनिवास। अपादान देखो अब अंतर समझना इस चीज में दोनों के अंदर है नॉर्मल बात कोई ज्यादा, एक तो बताया था एक इसमें आता है कर्ता ने कर्म को करण से, और अपादान में भी क्या आता है लेकिन हमेशा यही बोलते हो कि से अलग होना, यहां पर से आएगा लेकिन से अलग होने के अर्थ में आएगा,
जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से गंगा क्या हो गई, अलग हो गई। अलग होने के अर्थ मैं बस से जयपुर गया, मैं बस से जयपुर गया, यहां बस एक साधन है, या फिर तारानगर से दिल्ली गया, इसमें अपादान है। क्यों? क्योंकि तारानगर से वो अलग हो गया, यानी अलग होने के अर्थ में आएगा अपादान, साधन के अर्थ में आएगा करण। तो यहां देखो, जन्म से अंधा, जन्म से लेके अब तक, जाति भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट उसे बोलते हैं जिसे समाज से बाहर निकाल दिया जाए, यानी आज के टाइम में चीजें कौन चले, पुराने टाइम में चीजें होया करती, बिना कहता जगह हुक्को पानी बंद करना कह करता, आज से 20-30 साल पहले ये चीजें चलती थी, आज तो बहुत कम है, ये नहीं है, ये चीजें लुप्त हो चुकी है। बिन कहता कि तो तेरे उक्को पानी बंद है, उक्को पानी बंद हो मतलब गांव वाले उसके घर नहीं जाते थे, उसकी कोई सहायता नहीं करते थे, और रिश्तेदार उसके साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं करते थे, वो उक्को पानी बंद करो, यानी उसे जाति से बाहर कर दिया गया, वो होता है जाति भ्रष्ट, यानी जाति से अलग हो गया, वो जाति से भ्रष्ट, पाप रहित, पाप वो अलग है, पाप है ही नहीं उसे, निष्पाप है वो, ऋण मुक्त, यानी जितो कर्जो लेट हो वो सारो सारो उतार दे, उतारते ही वो ऋण से क्या हो गया, अलग हो गया। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, यानी जन्म से लेके अब तक रोगी, यानी अलग होने के अर्थ में क्या आएगा, अपादान। संबंध, अरे संबंध मतलब काके की जोड़ दो, विद्यालय, विद्यालय, भूकंप, भूमि का कंपन, या भू का कंप लिख दे, भू का अर्थ ही भूमि है। राम नाम, हाँ राम का नाम, गंगा जल, वैसे गंगा के लिए जल होएगे, गंगा के लिए उसके, गंगा लिए क्यों होता, गंगा खुद को जल है, गंगा का जल हो साल तो रहा पल करानी कहो गंगा जल है, यानी ये गंगा का जल है, यानी भी नदी को जल है। मनाली, बस रूस की वेर एक मनाली वे, यानी रूस की को विलोम हो गयो, क्यों, ये मनाली उस स्थान को कहा जाता है जहां मनु रहते थे, यानी मनु का घर मनाली है, बिया ना कर दिया वहां मनाली। शिवालय, शिव का आलय, उसमें करोगे तो शिव के लिए आलय। राष्ट्र का पिता, चरम का रोग, यानी सवाल अधिकरण, जल में मग्न, जल मग्न, यानी जिया ज्यादा हो जाए बारिश, मान लो 50 आंगल हो जाए तो लगभग दुकान जलमग्न हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जल में मग्न हो गई, वो जल के अंदर समा गई वे। मुनि श्रेष्ठ, कवि वर, वर गोर्थ श्रेष्ठ वे, जिया थार ब्याह हो गो लागो नी वर वधु, बोला थार पर 10 केस हो, बोला 20 दिन तो थे श्रेष्ठ हो, एक दिन तो वर, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आप बीती, आप पर बीती ज्यादा सही है, आप में बीती भी कैसे के बात तो बैठी है घूम फिरी। कवि पुंगव, पुंगव को अर्थ भी श्रेष्ठ ही है, यानी जो श्रेष्ठ बेस्ट हो उसे पुंगव कहा जाता है, कि ये कवि पुंगव है, ये कवियों में सबसे श्रेष्ठ है। दान में वीर, सिर बिया देखे तो सिर के मां दर्द है, सिर का दर्द भी कर दे बलाई बिया गलत कोनी, तेरी बात सही है, लेकिन सिर के अंदर दर्द हुआ वो भारत को नहीं है, बारह वे ठीक है। वनवास, नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ या नर में श्रेष्ठ, लिख लियो, हेडिंग डालो, तत्पुरुष समास, उदाहरण में थोड़ा कम लिखा है, थोड़े ज्यादा देख लिया किताब में, क्योंकि अच्छा तत्पुरुष समास हेडिंग डालो, तत्पुरुष समास, इसमें इन द तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति चिन्ह, चिन्ह लिखना, चिन्ह मत लिख देना, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, यानी कारक, ब्रैकेट में लिख दो कारक, कारक
ब्रकेट में कारक समझ जाओ थे, वह द्वितीय पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान होता है। पहला लिखो कर्म तत्पुरुष, आगे लिख दो कर्ता निकर्म, कर्म को लिख दो, आगे लिख दो को, कर्म तत्पुरुष आगे लिख दो को, गंडकारो यानी को वो, हां शरणागत, शरण को आगत, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, चीड़ी को मारने वाला, मन को हरने वाला, ऊंकी ऐसा और लिख ले, वन को गमन, दुख पा रही है गे एटिया बाप पेटू मेरी बाल उगाई कौन करे यहां, जे क्या मैं दुख पा रही है तू कौन सो करो गया सियाणा टापर बनाया ही है कि एकदम ही अरे भाई क्यों थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। समास छह दिन हम हुए, छह दिन हम पे तीन घंटा हम क्या होगा आप देख लियो, देख लिया आगे करण इसके आगे लिख दो कर्ता निकर्म को करण से, के लिए लगा लो भैया। तो संधि इनसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन पुट अप करता है, कम करता है इनसे, बाकी टॉपिक से तीन चार क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से होंगे, तो तीन चार के हिसाब से पिछली बार क्या लिंग वचन क्रिया कारक इनसे एक दो दो उठाते तो ये आठ आठ नौ टॉपिक हो गई, तो बीस के साथ पास चली गई। प्रसन्न प्रत्येक टॉपिक से उठेगा, प्रत्येक टॉपिक से
यानी आपके टोटल एक एक अलग अलग लिखिए तो 19 टॉपिक है, अलग अलग लिख दे, संज्ञा अलग लिख दे, सर्वनाम अलग लिख दे, यानी 20 टॉपिक माने तो 20 पंचा सौ तो एक पांच आ गया। लिंग वचन क्रिया कारक इनका अभ्यास ज्यादा करो, पढ़ने से कोई औचित्य नहीं इनका इतना। परीक्षा के लिए बन, कन्या के लिए विद्यालय, स्नान के लिए घर, छात्रा के लिए आवास, छात्रावास छात्रों के लिए भी हो सकता है, छात्राओं के लिए भी हो सकता है। गर्ल्स हॉस्टल को भी छात्रावास बोला जाता है, बॉयज हॉस्टल को भी छात्रावास बोला जाता है। रनवास, रानियों के लिए आवास, जीव के लिए खर्च, भूत के लिए बलि। अपादान लिख लो, से अलग होना, ठीक है। जन्मांध, जन्म से अंधा, जाति से भ्रष्ट, पाप से रहित, पाप से मुक्त में क्या होगा, पाप मुक्त में, पाप मुक्त में पाप रहित, हां से होएगा तो प्रेम का सागर। मुनियों में श्रेष्ठ, कवियों में वर, आप पर बीती, कवियों में पुंगव, पुंगव का अर्थ है श्रेष्ठ, दान में वीर, सिर में दर्द, वन में वास, नरों में श्रेष्ठ। अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होगा, कर्मधारय में विभक्ति चिन्ह हो, सॉरी तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह होंगे। दूसरा है कर्मधारय, इस नाम से ही हम अर्थ निकालेंगे थोड़ा बहुत। कर्मधारय, कर्म के वह काम है, कोई काम हो, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये आपका कर्म है, हम पढ़ा रहे हैं हमारा कर्म है, पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है उसका कर्म है, मास्टर पढ़ा रहा है उसका कर्म है। कर्म का अर्थ होता है कार्य, यानी कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म का अर्थ है कार्य। और जो व्यक्ति जो कार्य करता है वो उसकी विशेषता है, भी मैं पढ़ा रहे हूं तो मेरी विशेषता ही तो है, मैं पढ़ा रहे हूं ठीक है, भी आदमी जो काम कर रहा है वो उसकी विशेषता है, यानी कर्म का मतलब काम और काम व्यक्ति की क्या होती है, विशेषता। विशेषता को धार्य का अर्थ होता है धारण करना, यानी उस व्यक्ति कोई ना कोई विशेषता अपने अंदर धारण कर रखी है, यानी कर्मधारय समास की परिभाषा ये है कि इसमें एक पद दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता। जैसे कोई मोटा है तो मोटा उसकी क्या है, विशेषता, पतलो विशेषता, कालो विशेषता, गोरो विशेषता, हरामी विशेषता, ईमानदार विशेषता, यानी उस व्यक्ति का कोई ना कोई विशेषता, कालिदास कोई विशेषता है कि विशेषता, काली का दास है वो,
बेस का विग्रह अगर से करे तो काली का दास कर सकता हूं मैं, यानी कोई किसी की पूजा कर रहा है तो विशेष। अब जैसे नील कमल, कमल की क्या विशेषता है? नीला है, तो विग्रह क्या करोगे इसका? नीला है जो कमल। जैसे शुभ आगन कथारो आनो तो बड़ोई शुभ है, अब विशेषता है भी नील, यानी एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहे, कथारो आनो बहुत शुभ है हमारे लिए, शुभ है जो। मिर्च की क्या विशेषता है? तो गोटी वो जो भी हो वह भी चीज की विशेषता, यानी काली है जो मिर्च। मंजधार मेरी नाव है टकी मंजधार में, मंजधार मंज वह बीच में, बीच में है जो धार, तो भी धारगी की विशेषता है बीच में। महादेव तो इसका ऐसे मत कर देना, महान है जो देव वह, फिर समास बदल जाएगा। महान है जो देव, बस इतना ही विग्रह करना है। बताया ना एक शब्द में दो दो समास होंगे, फिर उनकी कैसे पहचान करेंगे वो लास्ट में देखेंगे। उस देवता की विशेषता है जहां भगवान शंकर की विशेषता है, वह महान है। मीनाक्षी उसकी विशेषता है कि भी आंखियां किसी के मछली जैसी है, यानी मीन के समान है जो अक्षी। काला है जो पक्ष, उस पक्ष की विशेषता है काला है। महान है जो सागर, उस सागर की विशेषता है वो महान है। उड़न खटोला, उड़न खटोलो पुराने टाइम हो तो जी रावण सीता को किडनैप करने आयो तो वो के ले गए वो उड़न कटोलो, बी टेम गो हवाई जहाज ले गए, जो मात्र दो या तीन गिने चुने लोगों को नया कर दो जी। आजकल जिया कह दिया ने हाइड्रोजन बम परमाणु बम की कन है, या फिर कई बार रोफेल की कन है, गिने चुने देशा कन भी रावण कन भी एक कटोलो जगह स्टार्ट करिए ले गए अट तक आयो, तो बी टेम पांच सात लोग राम कन ही को नहीं हो। देखो भगवान राम जो श्रीलंका पाछ आया नहीं, जब विभीषण और मांगे ले बोल दे यार पाछो पैदल क्या जाई जानता तो आ गया। तो भाई बात वो उड़ता है जो कठोला खटोला। सुपुत्र टाबर किशोक है, अच्छो है भी टाबर की क्या विशेषता है? बढ़िया टाबर है। सुपत का एकदम सही रास्ते पर चल रहा है, ये रास्ते की विशेषता है वो अच्छा है। कापुरुष, कागो मतलब होता है कायर, यानी कायर है जो पुरुष, उस पुरुष की विशेषता की है पोर पीटता ही भाज्या वो कायर सज्जन। सत्य है जो जन, यानी उस आदमी की विशेषता है बढ़िया आदमी है वो। कुपुत्र बुरा है जब पुत्र, पूत कपूत तो क्यों धन संचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचे। अंध भक्ति, हाँ अंध भगत आजकल तो एक पार्टी के लिए प्रयोग तोड़ लागे, दो पार्टी आपने एक अंध भगत एक चमचा, दो अलग अलग पार्टी बन रही, नाम काट रखे अभी मतलब सीधा नाम को फेसबुक पर जब पोस्ट डाली जाए तो कभी सीधो नाम को लिख, सीधो नाम लिखता है फंस गया बिंगो उन दो सुन दो तोड़ा मरोड़ी करके लिखी जब बोले तेरे खातर थोड़ी लिखी है, लोग तो समझ गया तो भी हिसाब है तोड़ा मरोड़ी करके पार्टियां का नाम बना दिया। अंध भक्ति, अंध है जो भक्ति। महावीर कृष्ण सर्प, ये कृष्ण का सर्प नहीं है, जय कहते भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण के पास कोई सर्प नहीं था। काला है जो सर्प, कालो नाग जो कोई भला मानस विचारो कि तो अच्छो है, भला है जो मानस। काला पानी, काला है जो पानी, उस पानी की विशेषता है काला। जमा मर्द, मर्द की विशेषता है कि जवान है वो। सुंदर लाल, अरे सुंदर है जो लाल, लाल टिंगर ने कह दियो सुंदर है जो लाल। महात्मा, आत्मा महात्मा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके वह, ये मत कर देना विग्रह, ये अगर आपने कर दिया तो समास बदल जाएगा। नीला है जो कंठ, नीला कंठ भगवान शंकर का भी है, मोरिये का भी है, मोरिये का भी नीला ही होता हो गया। हाँ शुक्ल पक्ष, शुक्ल है जो पक्ष। उड़न तस्तरी, हवाई जहाज जीव है। महोत्सव, यानी उस उत्सव की विशेषता है कि वो बहुत महान है। सुदर्शन, सुकार त्वचा अच्छा, अच्छे है जिसके दर्शन। मंद बुद्धि, बुद्धि विशेषता है मंद है। वीर बाला, बाला बोले लड़की ने, वीर माने वीर, यानी वो लड़की क्या है वीर है। जल परी, जल की परी, जल के लिए परी, जल से बनी परी के कराना ही हो। जल परी पानी में रहवा जल परी वह, तो जल में रहती है जो परी भी। जल परी धरती पर तो कौन रहे, धरती पर तो सिर्फ जल पर आ रहे, तो जल परी क्या रहेगी, पानी के अंदर रहेगी। कुमारग बुरा है जो मार्ग। कलमुआ काला है जो मुंह, भी मुंह की विशेषता है वो कालो है। लाल लाल कुर्ती, हाँ हाँ बोगाणो मेरे भी सुनेड़ा है, लाल लाल कुर्ती सारा सुनेड़ा है, हरियाणा सारा सुनेड़ा है लाल कुर्ती। कुर्ती की विशेषता है
लाल हो, काली हो, गोरी हो, भूरी हो, किसी हो, बाकी विशेषता भी कुर्ती की। खड़ी बोली यानी जकी बोली आप बोला नहीं, खड़ी बोली है यानी खड़ी है जो बोली। खड़ी को मतलब यहां बोली बोली भी खड़ी है। खड़ी में मतलब थोड़ा सो आग लेना अच्छी कौन लागे, यानी थोड़ा सा आप साइड चले जाओगा नहीं मास्टर नहीं तू कहेगा तू यार सही कौन पढ़ा। हरियाणा में तू कह दे सही बोल रहे जो, लेकिन बाकी थोड़ी सी खड़ी बोली हो जाए। तो राजीव नयन, राजीव नयन, राजीव बोले कमल ने, कमल के समान जो नयन की विशेषता है। नील गगन, नीला है गगन, श्वेतांबर दिगंबर जो भी है, श्वेत है जो अंबर, यानी एक पद दूसरे कर्म यानी विशेषता। विशेषता मतलब कोई शब्द विशेषता बताएगा। अब कालो गोरो मोटो लाल पीड़ो ये सारी विशेषता है व्यक्ति की। लिख लो हेडिंग डालो कर्म कार्य समास, कर्मदारी समास। इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? यह तत्पुरुष का भेद है तो तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान है तो भाई इनमें द्वितीय पद ही बेगो। लिखो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। दूसरे पद की विशेषता बताता है। लिख लो विग्रह, नीला है जो कमल, शुभ है जो आगमन, काली है जो मिर्च, मंच में है जो धार, महान है जो देव, साइज बड्डी क्या होगी रहा? चल छोड़। मीन समान जो अक्षी, कृष्ण है जो पक्ष, महान है जो सागर, उड़ता है जो खटोला, सू है जो पुत्र, सू है जो पथ, कायर है जो पुरुष, सत है जो जन, कु है जो पुत्र। उड़ती है जो तस्त्री, महान है जो उत्सव, सू है जो दर्शन, मंद है जो बुद्धि। नहीं आए पूछ लेना बाकी थे खुद ही कर लियो। वीर है जो बाला, जल में रहती है जो परी, पापाई परी हो करे नहीं भाई, कु है जो मार्ग, खड़ी है जो बोली, प्रथम पद अव्य, दूसरा था तत्पुरुष विभक्ति चिन्ह, तीसरा था कर्मधारी कर्म को धारण कर रखा यानी एक पद दूसरे पद की विशेषता। ये तो एकदम इजी है, कुछ है नहीं। ये तो कौन सा? द्विगु, एकदम इजी समास है, वही थे सारे टप। द्विगु देखो सीधा नाम से हम अर्थ निकाल लेंगे, विग्रह कर दें, एकदम इजी समास है। द्वि का अर्थ क्या होता है? द्वि का अर्थ दो, एक है, द्वि है, त्रि है, चतुर्थ है, पंचम जो भी है। द्वि का अर्थ होता है दो, एक दो तीन चार पांच, ये सारी क्या है? संख्याएं, यानी संख्या, बस कहानी खत्म। यानी इसमें कौन सा पद प्रदान हो जाएगा? पहला ही पद हो जाएगा। द्वि का अर्थ होता है दो, दो एक संख्या है, यानी इस समास में संख्यावाची शब्द आएगा। यानी संख्या कितनी हो सकती है? एक से लेके कितने, लेकिन संख्या शब्द हमेशा ग्रुप में आएगी, यानी समूह को प्रदर्शित करेगी वो। ये नहीं है कि वो संख्या अलग अलग हो, क्यों? क्योंकि समास हमेशा विग्रह के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे सीधी दी मैंने संख्या 20 और 1 दे दी आपको 21। अब इन दोनों में अलग अलग समास है, 20 में कौन सा समास है? 20 में तो द्विगु समास है, क्यों? 20 एक ग्रुप है। जैसे 20 का विग्रह करोगे तो क्या करोगे? 20 ही होगा। लेकिन 21 का विग्रह क्या होगा? यानी बीच में और आ गया उसके। भाई इन तो यहां कौन बोल सका का 10 और 10 20 ऐसे नहीं बोल सकते हम इसको, 20 को 20 ही बोलना पड़ेगा। यानी ये एक समूह है, यानी जो संख्या आएगी उसका अगर विग्रह करते समय बीच में द्वंद आते ही कंफ्यूज दूर हो जाएगा, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो। यानी इस शब्द के आगे आपको क्या लगाना है? समूह शब्द लगाना है। जैसे बात करें नवरात्र, नवरात्र में कहती हूं कि चलो टाबरो आज नौरता चालू हो गया, 9 दिन तक थान व्रत करने थे, कर लियोगा कि? क्यों? क्योंकि नवरात्र सिर्फ वही नवरात्रियां हैं जो चेत या बैसाख के अंदर, बैसाख आसवन के अंदर आवे या चेत के अंदर आवे। बैज की स्पेशल नवरात्र हो जो समूह सिर्फ उन्हीं को नवरात्र बोला जाता है, ना कि हर कोई रात ने थे नवरात्रि कर दियोगा। तो नवरात्र मतलब नवरात्रियों का समूह। त्रिकाल, तीन काल यानी द्वापर त्रेता यानी तीन काल, उन कालों का जो समूह होता है वो त्रिकाल कहलाता है। द्विगु, दो गायों का समूह है, स्पेशल दो गाय हैं उनका समूह द्विगु, समास में भी द्विगु ही है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। अब कौन सा रत्न आप स्पेशल नौ है, नाम को मन्ने भी कौन पता। सतरंग जो इंद्रधनुष के अंदर है, बेनिया है पिनाला, सात रंगों का समूह है। आगे शब्द लगाना है समूह। त्रिवेणी, वेणी बोले धारा ने, गंगा यमुना और सरस्वती इन तीन नदियां जब जहां पर मिलेगी उसे त्रिवेणी कहा जाता है, यानी उन्हीं तीन नदियों का समूह कहलाएगा त्रिवेणी। दोपहर, दूसरा पहर, यानी दोपहर कौन सो गयो? दूसरा पहर हो, पहलो पहर हो ब्रह्मचार्य बाद हो गयो ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा हो गयो बारह बजियारो। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह है, यानी एक मृत्यु लोग हो गए, एक स्वर्ग लोग हो गए, एक देवलोक हो तो गयो, तीन लोक है। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह है। वैसे इसके अंदर बहुबरी भी होता है लेकिन वो बाद में देखेंगे कब होगा बहुबरी। द्विनाड़ी, बंदूक यानी दो नालियों का समूह। अब दो नाली एक बिन्नू पकड़ लेगा और एक इन्नू पकड़ लो, वह दो नाली को नहीं है, बंदूक के अंदर लागे भाई वह दो नाली स्पेशल, दो नालियों का समूह है। दो अन्नी, दो आनों का समूह है। सतमासा, सात माह का समय या सात मासों का समूह है। सतमासी हो गया नहीं टाबरी चलो वो। त्रिपिटक, तीन पिटकों का समूह है। अठमासा, आठ मासों का समूह है। छत्तीसगढ़, जैसे राजस्थान में छत्तीसगढ़ हो गया, यानी छत्तीस दुर्ग है राजस्थान में, तो राजस्थान का नाम छत्तीसगढ़ हो जाओगे कुन्नी में। छत्तीस वही है जिस राज्य के अंदर स्पेशल है, वहां पर जो गढ़ है उसी को छत्तीस, यानी छत्तीसगढ़ों का समूह। वह छत्तीस जद बिलेगा जद ही छत्तीसगढ़ बढ़ेगा। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। इनका मतलब होगा एक भुजा अठ बना दी, एक अठ बना दी, एक अठ, ये समूह नहीं है, वो स्पेशल तीन भुजाएं मिलेगी तभी त्रिभुज बनेगा। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, आगोने एक मूर्ति थे कोई कृष्ण जी की लिया हो या एक मूर्ति राम की लिया और तीन मूर्ति भी एक गणेश जी की लिया हो, वो त्रिमूर्ति नहीं होगी कभी, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां होगी वही त्रिमूर्ति होगी। पंचवटी, पांच वटों का समूह। अब पांच वटों का मतलब पांच वर्ष थेठ बेड़ा कर लिया वो पंचवटी हो जाओगे। पंचवटी एक स्थान है एमपी का, वहां पर जो पांच पेड़ है उन्हीं को पंचवटी कहा जाता है। पंचवटों का समूह या पांच वृक्षों का समूह। तिरंगा, तिरंगे में सिर्फ वही तीन रंग आएंगे, कौन सा है? गुलाबी और वे कदू आने लग गयो, हरा सफेद और केसरिया। थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार क्या वेगा नेताजी, नेताजी बेचारा क्या गो बेरो है तो कई बार उन्दो सुंदो फरा जाए, इन तिरंगन में उन्दो कर दे, हरे नीचा वे बीच में सफेद केसरिया, केसरिया जो को है नी वो सापो वे यानी बलिदान को प्रति वो ऊपरी ऊपर आओगे कई बरूंदो फहरा दे, हरे और नीचे सफेद और केसरी, वह तीन ही कलर मिलने के तिरंगो बनेगो, बाकी कलर अगर मिल गए तो वो तिरंगो कौन बोली जाओ कभी, यानी तीन रंगों का समय। त्रिफला यानी सेब अनार और केड़ो, त्रिफला बन गए होगे, हरड़ बहेड़ और आंवला, हाँ यही वह तीन पीस गए बराबर, हाँ बराबर पड़ेगो अभी कौन जरूरत, 40 के बाद में जरूरत पड़ेगी क्योंकि 40 के बाद हवा निकलने लग जाए मूर जगह जगह मना कौर, तो बहुत त्रिफला भी टेम काम आओगे, बराबर मात्रा में पीस के शाम गए सोती टेम ले लो, बस मौज ही मौज है। त्रिफला, तीन फलों का समूह, बहेड़ आंवड़ा हरड़,
आप उनके एक इंगमा सेव मिला दियो त्रिफला बन जाओ। शताब्दी यानी आज से मैं गिनूंगा 100 वर्ष वो शताब्दी में नहीं आएंगे। शताब्दी गैलरी शताब्दी कद हुई 2000 में हुई याद को नहीं 2000 भी 2000 आज 21 साल पहले मन मेरे 21 थे सारा बड़ा हो तो थोड़ी थोड़ी तो याद होगी कि जब अगली आप कौन देखा चिंता ना करियो गठी टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। आप थार पोता पाता देखेगा कि नोट्स बहुत बढ़िया कर चलता रहो मैं चलता रहूं अगली शताब्दी तक। तो शताब्दी 100 वर्ष जो एक से लेके 100 तक वही हुआ आप पीछे 2000 ही लागी इन बातों अगली आप कौन देखा 21वीं लागी। नौ ग्रह भाई वेगा बुध शुक्र बैमिली वही नौ ग्रहों का समूह है। सप्त सिंधु सात नदियां या सात सिंधुओं का समूह है। सप्त सिंधु आठ अन्नों का समूह है। अठन्नी सप्त ऋषि वह सात ऋषि मिलेगा नहीं वह सात तारा वह नहीं बैमी सात ऋषियों का समूह है। पंसेरी शेर बोले बाट ने पांच बाट हुए पतो नहीं बोल कौन सा बाट हुए बामो जो ग्रुप हुए बिनी पंसेरी बोल जो पांच शेरों का समूह बाटों का समूह। दशाब्दी दस अब्दों का समूह है दस दस साल के गैप में। अष्टभुज आठ भुजाओं का समूह। त्रिवेदी तीन वेदों का समूह। जब पुराने टाइप में कोई दो वेद पढ़ ले तो वो आपका नाम गा के दुबे लगा देता हूं। दो वेद पढ़ना कोई नॉर्मल बात को नहीं होती। ऋग्वेद जो है नी एक एक वेद है वन पढ़ना बहुत साल लगे यानी बी टाइम पुराने टाइम नोट्स को नहीं होता जगह लिखा दियो लिखो ओम भूर भू स्वा मंत्र लिखो बीटेम गुरुजी बोलता मस्ट रिपीट मारता नोट्स नाम की कोई चीज को नहीं होती बीटे। तो एक वेद रटने में 17-18 साल लग जाता तो तीन वेद नाम तो देख लो तीन पढ़ ले तो वो तिब्बे जी चार पढ़ ले तो वो चौबे जी तो वो हो तीन वेदों का समूह त्रिवेदी। चतुर्युग युगों का समूह पंचांग पांच अंगों का समूह चौगड़िया चागड़िया मिल गए पांच चीज हमें पंचांग के अंदर। त्रिवेद तीन वेदों का समूह। चतुरंगिणी यानी सेना होती है चतुरंगिणी जगह के अंदर हाथीर घोड़ार पैदल सेनार एक और वे कौन सी वे चार मिल गए ही चतुरंगिणी सेना बनेगी। सप्त सदी सात सतों का समूह है। चौखट चार खट्टों का समूह है। चौखट को नहीं एक रहेगी खाट वो चौखट दुपहिया दुपहिया सो अष्टा अष्ट धातु अष्ट धातु दरवाजों को नहीं होगा आठ धातु मिलेड़ी है वो अष्ट धातु है। तीराहा तीन राह यो मनी अलग अलग हो को नहीं हो तीराहु स्पेशल वे तीराहु। त्रिनेत्र ध्यान रहे तीन नेत्रों का करना है तीन नेत्र है जिसके वह करता है गड़बड़ हो जाए पूरी पूरी सीधा दे त्रिनेत्र तब कौन सा समास करना है दोनों आगे अलग अलग बता आन दो बिंग बाद में बताऊंगा अभी लिख लो लिखो द्विगु समास द्विगु समास द्विगु समास प्रथम पद है प्रथम पद प्रधान होता है प्रथम पद संख्यावाची वह समूह का बोध कराता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है वह समूह का बोध कराता है। पांच सात उदाहरण लिख लियो ज्यादा ही माथा पच्ची कौन करनी एकदम इजी है। पांच सात उदाहरण लिख लियो सगड़ा लिखने की जरूरत कौन किताब में रिपीट मार लियो जिता लिखी जब इता लिख लियो विग्रह भी लिख लियो विग्रह भी इजी आगे समूह है या समाहार सब जोड़ दिया बस ग्रुप एक ही अर्थ है चाहे तो यहां बोलते चाहे नौ रात्रियों का समाहार या नौ रात्रियों का समूह है एक ही बात। टेस्ट तो का ही लिया टेस्ट टीम में कोई फसो कौन थे आयडा प्रश्न निकाल लिया समास इजी एकदम है पांच वट बोले वृक्षान ट्री दारू है कुट्टी को पेड़ वे पेड़ वृक्ष ने बोले पांच वट पेड़ ने बोले पंचवटी जो स्थान है जो भगवान राम ने उन पांचों पेड़ों को एक साथ एक तीर से तोड़ा था रामायण के अंदर आता है ये सीन पंचवटी। देखो कौन सा है द्वंद्व सास ये उससे भी जी शुरुआत रामी समस्या बस द्विगु में क्या बताया दो संख्या संख्यावाची और तत्पुरुष का उपवेद है तो द्वितीय पद प्रधान
बात आती है द्वंद्व के अंदर, यही तो है। याद रखने का यही तरीका है, सीधा स्पष्ट याद रखें, क्योंकि कंफ्यूज वहां होता है, वो सीधा शब्द दे देगा कि पंचवटी में कौन सा समास है। अब गोल हो जाए कि यार पंचवटी समूह शब्द द्वंद्व मावे है द्विगु मावे, या फिर और शब्द द्वंद्व मावे या द्विगु मावे। तो द्विगुता बता दिया, दो दो मतलब संख्या, संख्या इसमें भी आ सकती है, संख्या तो यहां भी आएगी। तो अब देखो इसका क्या है, या तो सीधा वैसे जैसे मैं आपको दो बार दो बुलवाऊं, तो आप जैसे द और दे, तो यही तो बोलोगा कि द्वंद्व में द और द आवे, वे और वे आवे, यही तो बोलोगा कि द्वंद्व समास में द आता है और क्या आता है, द आता है, वे आता है और क्या आता है, वे, बस यही विशेषता, ऐसी याद रखना। यानी जब द्वंद्व समास का आप विग्रह करोगे तो बीच में आपको और लगाना पड़ेगा। अब और यार अथवार तथार ए बहन भाई आपस में, यानी और लगाएंगे विग्रह करते समय और। अब जैसे आपको शब्द दिया उसने तीस, अब तीस का विग्रह करके बताओ और कहां लगाओगे इसमें, बीस और दस तो कर नहीं सकते, पचास कम बीस कर नहीं सकते, तीस को तो तीस बोला जाएगा। लेकिन बात आपसे कहे कि इकतीस बोलो, वैसे नियम यह होता है पहले छोटी संख्या बोलो फिर बड़ी संख्या बोलो, एक और तीस, बाकी तीस और एक को तो भी और को प्लस भी तो है, राम और श्याम जाएंगे, इनको मतलब दोनों जागा, और का अर्थ प्लस भी तो है, यानी तीस और एक कितना हो गया इकतीस, पैंतीस, इसका विग्रह क्या करोगे पांच और तीस, यानी विग्रह करते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा समास है, पचास, यानी मैं सीधा बोलूं एक से लेके नौ तक की संख्याएं किस में आएगी, द्विगु में आएगी, क्यों, एक का विग्रह एक ही होगा, पांच का विग्रह पांच ही होगा, चार और एक नहीं हो सकता। फिर ये संख्याएं दस बीस तीस पचास सौ हजार दो हजार पांच हजार, ये संख्याएं किस में आएगी, द्विगु में, बाकी जो बच गई वो सारी संख्या किस में करेंगे, यानी इसका विग्रह करते समय बीच में सिर्फ और लगाना है किसी में। इसके पार्ट जरूर बांट दिए गए, कभी प्रश्न नहीं पूछा आज तक कि भी सुख दुख में कौन सा द्वंद्व वैकल्पिक एक समार है या इतरे तरह, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, पूछेगा कभी नहीं, और लगा के देख लेना विग्रह के अंदर सीधा सेट बैठेगा। अब देखो इतरेतर, इतरेतर में क्या आ रहा है, इतर और क्या आ रहा है, इतर संधि विच्छेद यही तो होगा, इतर प्लस इतर इतरेतर, यानी इसके बीच में और चिन्ह लगाना है, यानी इन समासों का विग्रह करते समय बीच में और लगा दो, जैसे मां और बाप, अब बताओ प्रधान कौन है, दोनों ही प्रधान है, आप ही जगह भाई, मां की जगह मां प्रधान है, रसोई में जाके तो कौन बनाई जो बापू, तो मां की जगह मां प्रधान है, बाप की जगह बाप, यानी इसमें दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। 90% शब्दों के बीच में ये लगेगा योजक चिन्ह, तो विग्रह कर दो मां और बाप जल और अन्न, सीता और राम, 55 पांच और पचास, माता घी और गुड़ दूध और रोटी, हरी और हर, भला और बुरा, गाय और बैल, सीधा और सादा, धनी और के धनी मानी, धनी मानी के यहां लगे धनी और मानी करते भी, 27 सात और तीस या 20 और सात की कर दियो, 27 30 थोड़ी होगा, पशु और पक्षी, दाल और रोटी, ऋषि और बाप और पेड़ और पौधे, स्त्री और पुरुष, राधा और कृष्ण, 31 30 और एक, सुख और दुख, गाय और भैंस, बेटा और बेटी, धन और दौलत, आगा और पीछा, हो गयो। समाहार, समाहार का अर्थ होता है उस शब्द में कुछ और छुपे हुए, जब मैं थार गया थे पूछो गुरु जी चाह पानी पियोगा, इंगो मतलब रोटी कौन पूछो थे, उस चाह पानी शब्द में ऑलरेडी रोटी शब्द समाइड है, भाई चाह पानी मतलब कह कह बोलो की कोनी थोड़ी बहुत देखा दाखी हुई, तो देखा दाखी सिर्फ नंबरों आदान प्रदान को नहीं, उसका ही देखा दाखी, उस देखा दाखी शब्द कह कह वो बहु बेटियां रोक रहे, मतलब सिर्फ बहु बेटी है घर में और तो कोई कोई नहीं, तो उस शब्द में और भी समाइड है, कभी और भी सदस्य है, बहु बेटियां हो घर है और भी सदस्य, यानी उस शब्द में जब बस में लिखे डी कहा हाथ पांव बाहर नहीं निकाल, एक मतलब सिर्फ हाथ पांव को निकाल मुंडी रखो नहीं, तो हाथ की चीजें समाई हुई है, यानी समार अर्थ होता है उसमें और शब्द छुपे हुए हैं, बाकी आप सीधा ट्रिक लगाना और सीधा सेट बैठेगा। जैसे जीव जंतु, आप जीव और जंतु भी कर सको,
लेकिन समाये हुए हैं कुछ शब्द, तो इसके आगे आप आदि लिख दो या इत्यादि लिख दो। जीव जंतु, जीव जंतु आदि, कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते, अब कपड़े लत्ते हम सिर्फ कपड़ा लत्ता कहने, अंडर गारमेंट गंजी वगैरह पे भी तो कपड़ा लत्ता में आते, कपड़े लत्ते आदि, रहन सहन किसियों के, रहन सहन आदि, या रहन सहन के अंदर रिपिया पिसा सारी चीजें पूछी जाए भी अंदर, बोलचाल बंद है, सिर्फ बोलचाल ही बंद है, बोलचाल आदि यानी सारा ही काम बंद है, ब्लॉक मार रखी है, भूत प्रेत क्या हो अठे, भूत प्रेत रहे तो चुनौतिया बह, चुनौतिया चुनौतिया बह भी तो उसके, और बे डायना बे तो उसके, भूत प्रेत तो मतलब सिर्फ भूत प्रेत ही थोड़ी है, और भी आंगा जगह स्टैंडर्ड वे नहीं, कौन सा भूतांगा भी प्रकार हुए, हाँ कौन सा कभी फुर्स तो बता मेरे तो आप को नहीं आता, तकड़ा भूत हुए, एक ऊत पित्तर वे, एक पित्तर वे का भूत है, तो भूत प्रेत आदि, चाय पानी पियोगा, चाय पानी आदि यानी रोटी राटी की भी वो पूछ रही है, धन दौलत सोनो चांदी सो की अजिंग में धन दौलत आदि कहां सुनी होगी, कहां सुनी, सिर्फ आई थोड़ी गाड़ी गलोच हुई है उसके थपमुखी भी होगी, होगी दो चार, तो कहां सुनी आदि, मारपीट, मारपीट का मतलब मारपीट ही को नहीं कह रहा, आग लगे जो हाथ लागे बटको भी भर दी होगी, तो मारपीट आदि, बाल बच्चा क्या है, तो सिर्फ बाल बच्चा पूछे था घरारी खातर कौन पूछेगी, वो बाल बच्चा हम सिर्फ बाल बच्चा थोड़ी पूछी जाए, अभी पूरे सदस्य में पूछी जाए, बाल बच्चे आदि, आत्माओं आदि, आगो पीछो का आगो पीछो देख के चलो, मतलब ऊपर की घेर दिया चाहे ऊपर देखना कौन, फिर आगा पीछा आदि, बहु बेटी आदि, सांप बिच्छू, तो सिर्फ सांप बिच्छू थोड़ी गोई रोको नहीं उसके ही बैठे, सांप बिच्छू आदि, देखा दाखी, देखा दाखी आदि, चाल चलन आदि, भूल चूक आदि, सागपात आदि, फल फूल आदि, रुपया पैसा, गोला बारूद, गोला बारूद में सिर्फ गोला बारूद ही आएगी, बंदूक को नहीं उसके बड़े, तो गोला बारूद आदि रखे जाते हैं वहां पर, गोला बारूद आदि, यानी बाकी आप और लगा के कर लो सीधा सेट बैठेगा। अगलो कौन सो है, वैकल्पिक अर्थ है कि थाने दोआमो एक को चयन करना है, तो बीच में आप जब दो में से एक का चयन करोगे तो बीच में क्या लगाओगे, या जैसे आप और लगा के कर लो सीधा सेट बैठेगा, पाप और पुण्य, ज्यादा माता बची करनी कौन, पाप पुण्य पूछेगा और लगा लो, और को मतलब दंड है, पाप या पुण्य, थोड़ा या बहुत, सा की है सर्दी गर्मी है, क्या लिखी है, सर्दी या गर्मी, भला या बुरा, मार या पीट, सुख या दुख, मरण जीवन, तो बस थे और लगा दियो, माथा बच्ची ना करिए ज्यादा, लिखो द्वंद्व, द्वंद्व लिखो, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन कर गुज्जान, गुज्जान कौन करो, दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करते समय और तथा या अथवा आदि शब्द लगते हैं, विग्रह करते समय और तथा आदि इत्यादि शब्द लगते हैं, आदि इत्यादि का मतलब होता है जैसे मैं कहूं राम श्याम आदि, यानी राम श्याम के साथ दो तीन और गए, राम श्याम के साथ पचास से गए, राम श्याम मोहन पूजा इत्यादि, बहुत ज्यादा वैसे इत्यादि शब्द को प्रयोग है, नहीं फिर आदि शब्द आ, ये लिखो सामासिक शब्द, सामासिक को मतलब असामासिक शब्द है, और विग्रह का मतलब जो विग्रह करे, सामासिक शब्दों में हाइफन चिन्ह, इन हाइफन बोले या योजक चिन्ह बोले, योजक चिन्ह इन हाइफन चिन्ह बोले, यो हाइफन चिन्ह आता है, हाइफन या योजक चिन्ह लिख, चिहन आता है, चिन्ह ना लिख दो चिहन, पांच सात उदाहरण लिख लो, बाकी किताब में देख लियो, समास गलत नहीं होना चाहिए, फोकट का नंबर है दो दो चार प्रश्न, इतने तरह भी अलग पढ़ने की जरूरत कौन था, सीधो सीधो ध्यान रखियो, ऑब्जेक्टिव निकालियो बस, और माथा बची ना करियो, समास के आज तक के आईवी क्वेश्चन निकाल लेना,
कर दियो। लो वो तो एकदम इजी सो है। अब अर्थ समझना है क्या हो, किताब को नहीं है दर्गन तो कौन नहीं तुमना, फिर अगली बार भी तो ऐसा ही आओगी, चिंता क्या हम करे एडो टस्ट ही करवा करी फिर तर तो कोई तो किताब होगी, कोचिंग आ रहा है भरोसे थोड़ी रह रहे, दुनिया की कोई कोचिंग पूर्णतः सिलेबस नहीं करवा सकती, दुनिया की बोल रही हूं मैं, कहीं सिलेबस नहीं होता है पूर्ण, तो किताब तो भाई एक किताब तो सबक नहीं वह भी, और ने तो सर चोर लिया सागर है रूम पर जाए बढ़ू चोर लिया किताब की चोरी चोरी में कौन मानी जाए भाई, रोटी की चोरी कदी चोरी में कौन मानी जाए, भूख लागेड़ी भी आप खा सकते हो भी, हनुमान जी महाराज है जो बाग खराब कर दियो नहीं बोले दंड मिलो वो दंड के भूख लाग रही भैया खा ली, तो रोटी भी कोई चोरी में कौन मान जाए, तो किताब कोई चोरी में कौन या चोर लिया की नहीं है, तो अठो ना ले जाइए बस आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, सागर लिया नहीं लगो देख रो ले जाओ की कौन, चलो पाची दे दे आप पढ़िए और की बात, देखो बहुबरी बहु को अर्थ किया बीननी, लेकिन भी बीननी मात्रा बड्डी आवे अठ मात्रा की है, बहु को अर्थ हुए ज्यादा का बहु उदसीय परियोजना, अर्थ वैसे नहीं है, इस समास को हमने बनाया है ताकि याद रह जाए एग्जाम के समय, व्रीही का अर्थ है व्रीही मतलब बाहरी, जैसे मैं आपके सामने कोई एक शब्द बोलूं कि त्रिनेत्र भगवान, तो आपके दिमाग में कोई त्रिनेत्र वैसे नहीं आ रहे, आपके दिमाग में सीधे सीधे भगवान शंकर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं जबकि भगवान शंकर तो त्रिनेत्र नाम में समाया ही नहीं है, वो तो त्रिनेत्र से कोई बाह्य अर्थ है, इस शब्द मैंने बोला आपके आगे त्रिनेत्र और आपका दिमाग है किसके ऊपर भगवान, शब्द मैंने बोला महादेव और आपके दिमाग में क्या जा रहा है शिव जी, यानी जो शब्द दिया है उससे एक्स्ट्रा कोई अर्थ निकलेगा, यानी बहु का मतलब ज्यादा, उस शब्द के ज्यादा अर्थ यानी दूसरा अर्थ, या फिर सीधा राखो ब्री का मतलब बाहरी, जो शब्द दिया है उस शब्द को छोड़ के आप किसी बाहरी अर्थ पे चले जाओ, बाहरी अर्थ का मतलब जैसे शब्द है मधुसूदन, इसका विग्रह इस प्रकार करो कि किसी और अर्थ पे चले जाओ, यानी मधु, मधु नाम का एक राक्षस था, मधु का सूदन का अर्थ होता है मारने वाला, मधु का सूदन करने वाला है जो किसने मारा था कृष्ण ने, हम यहां पर कृष्ण के ऊपर पहुंच गए, यानी कोई बाहरी अर्थ निकलेगा इसके अंदर। अब देखो शब्द आया त्रिनेत्र, यानी देवताओं के जितने भी प्रायवाची सब बहुबरी के अंदर आएंगे, जितने भी देवताओं के प्राय, कोई विशेष व्यक्ति किसी चीज के लिए सारे के सारे बहुबरी के अंदर आएंगे। शब्द है त्रिनेत्र, यानी एक काने लिया तो साप्ती आंख हरा लिया, तीन आंख होगी वो त्रिनेत्र बन गयोगे, त्रिनेत्र तो सिर्फ एक ही है भगवान शंकर। अब मैं कहूं कि तीन नेत्रों का समूह है, सा समास होगा द्विगु, सीधा उसने शब्द त्रिनेत्र दिया का समास बताओ, कुछ नहीं करना है, हमेशा बहुबरी को प्राथमिकता मिलती है, जब भी विवाद लगे तो बहुबरी को प्राथमिकता होती है, क्यों, क्योंकि त्रिनेत्र के लिए कोई तीसरा व्यक्ति प्रधान है, कौन शिव जी, तो सीधा त्रिनेत्र दे दे तो बहुबरी समास आएगा इसके अंदर, समझ आगे बात नहीं समझ, जैसे महादेव कौन सा समास है, महान है जो देव कर्मदारी, लेकिन आपसे सीधा पूछे महादेव में कौन सा समास है, ऑप्शन कर्मदारी भी है बहुबरी भी है, आपको उत्तर करना पड़ेगा क्यों, महादेव के रूप में भगवान शंकर प्रसिद्ध है, जैसे उसने दिया महादेवी, अब क्या होगा, महादेवी कौन है, महादेवी कौन है, महादेवी के रूप में फेमस भी कोई है क्या, महादेवी के रूप में कोई फेमस नहीं है, महादेवी के रूप में बस मूर्ति को भी कह सकते हैं महादेवी, महादेव बोलते ही तो भगवान शंकर दिमाग में आएंगे, लेकिन महादेवी बोलते ही महात्मा, तो महात्मा के रस है महात्मा ही है कि नहीं कह सकता आप माता, लेकिन महात्मा के रूप में कोई एक व्यक्ति फेमस नहीं है, कोई महान है जो देवी, अब कि नहीं कर दो भाई कर दो महादेवी, भगवान शंकर की पत्नी कर दियो बुलाई, लेकिन वो कोई प्रसिद्ध नहीं है महादेवी के रूप में, तो कोई प्रसिद्ध न हो तब तो आप कर्मदारी करना पड़ेगा,
और उसके रूप में कोई फेमस है महादेव में बहुवरी समास है, यानी जब विवाद हो तो कोई तीसरा अर्थ स्पेशल प्रसिद्ध हो तो उत्तर क्या होगा, तो विग्रह करेंगे दस मुख। अब दस में थार लाठ है, मुख बेड़ा कर लियो थे, दस मुख बन जाओ, दस आनंद बन जाओ आगे, दस आनंद तो एक ही हो रावण, यानी दस है मुख जिसके वह, आगे क्या लिखूं, विग्रह आपको ऐसे करना पड़ेगा, दस मुख है जिसके वह रावण। मयूर वाहन, अब मोल्डा पर मैं चढ़ जाऊंगा, मैं कार्तिकेय बन जाऊंगा, मयूर वाहन है जिसका वह कौन, कार्तिकेय। घनश्याम, अब इसमें कर्मदारी भी है लेकिन घनश्याम के रूप में कौन फेमस है, भगवान कृष्ण फेमस है, घन के समान श्याम है जो वह, आगे लिखना पड़ेगा आपको कृष्ण। ब्रिजेश, ब्रिज का ईश है जो वह कौन, भगवान कृष्ण, आगे कृष्ण लिख दो। चक्र को धारण का, अब चक्र मैं ले लूंगा, मैं कृष्ण जी थोड़ी बन जाऊंगा, चक्र को धारण कर रखा है जिसने वह कौन है, कृष्ण जी। मधुसूदन हो गया रमेश, रमा कौन है, लक्ष्मी कौन है, रमेश। विष्णु, रमा का ईश है जो वह विष्णु। लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी कौन है भाई, है विष्णु की पत्नी, तो लक्ष्मी का कांत यानी पति है जो वह कौन, विष्णु। गंगा को धारण कर रखा है जिसने वह, शिवजी। पशु का पति है जो वह कौन, शिवजी, पशुपति शिवजी ने बोले। सूत का पुत्र है जो वह कौन, कर्ण। इंदु है जिसके शिखर पर, इंदु बोले चंद्रमान, शिवजी। मीन के समान है केतु जिसके, मीन केतु कौन है, कार्तिकेय, कामदेव है, मीन केतु कामदेव, हाँ कामदेव मीन है के समान है जो केतु, कामदेव है। कामदेव किसका पुत्र, पुत्र को नहीं हो, अरे अलग अनंग जुकन बोले, कामदेव अलग देवता है, हाँ प्रकट होता रहे रात बिरात, मौसम ठंडो हो जाए और हो जाए तो कामदेव जी आता ही रहे। अंजनी पुत्र, अंजनी का है जो पुत्र कौन हो जाएगा, हनुमान जी। दस ग्रीव, दस है जिसके गर्दन रावण हो गया। पीताम्बर, अब मैं पीला वस्त्र पहरी आऊंगा, मैं कोई पीताम्बर नहीं बुना, पीताम्बर के रूप में भगवान कृष्ण फेमस है, पीत है के समान है अंबर जिसके, वैसे कौन सा समास होगा, बहुबरी ना हो तो, क्योंकि उस वस्त्र की विशेषता है वो पीले हैं। ब्रज किशोर, ब्रज का किशोर कृष्ण, वस्ती को धारण कर रखा है जिसने भगवान कृष्ण। गोपियों का ईश भगवान कृष्ण, देवकी का नंदन भगवान कृष्ण। शेषाई, शेषनाग पर कौन सुते है, विष्णु। शेषनाग पर जो शयन करता है वह कौन, विष्णु। तीन है नेत्र जिसके भगवान कृष्ण। सतीश, सती बोले पार्वती, पार्वती या सती का है जो ईश, शिवजी। शैलजा, शैल बोले चट्टाना, जा मतलब जन्म लेना, चट्टानों से जन्म लेने वाली पार्वती, शैल की पुत्री है जो पार्वती। नीलकंठ, वैसे कौन सा समास है इसमें, कर्मदारिये भी है, कर्मदारिये में विग्रह होगा नीला है जो कंठ, अगर आप बहुबरी का विग्रह करो नीले हैं कंठ जिसके वह, आपको किसी तीसरे अर्थ पे जाना पड़ेगा, भगवान शंकर। महादेव हो जाएंगे रतिकांत, रति बोले है कामदेव की पत्नी को नाम है, रति का कांत है जो का पति है जो कामदेव। वज्र के समान है जिसके अंग बजरंग बली, महादेव थोड़ी बजरंग बली है, बजरंग अडवान जी लिखो बहुबरी में, बहुबरी में कौन सा पद प्रदान होगा, तीसरा, क्योंकि तीसरे अर्थ पे जा रहे हैं, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे अष्टादाई में कौन सा समास होगा, सीधा पूछ ले तो, अष्टादाई अष्टादाई पाणिनि की एक फेमस पुस्तक है, तो बहुबरी होगा इसके अंदर, अष्ट अध्याय है जिसमें वह, आगे लिखना पड़ेगा आपको पाणिनि की एक पुस्तक। सत सही, बिहारी की एक रचना नहीं है क्या, वो फेमस है सत सही, आपका समूह भी सही है, लेकिन वैसे देखें तो कोई फेमस चीज अगर हो तो फिर किसमें आ जाएगा, बहुबरी के अंदर, तो अष्टादाई में बहुबरी भी है। देखो इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, यानी लगभग देवताओं के प्रायवाची सारे के सारे इसी में आएंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुबरी ज्यादा सही है, क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए एक राज्य आगे लिख दे कि छत्तीसगढ़ है जहां वह, भारत का एक राज्य, तो छत्तीसगढ़ फेमस है भारत के एक राज्य के रूप में, तो बहुबरी सही है इसके अंदर, और छत्तीसगढ़ का समूह करे तो वो कर दे। विग्रह तो पूछेगा ही नहीं इसमें, इसमें तो समास पूछेगा, समास। इंदु बोले चंद्रमान,
शेखर बोले सिर ने, चंद्रमा है जिसके शेखर पर या सिर पर, तो भगवान शंकर। चलो प्रश्न तो काल कर दिया, सारा आज तक कायदा निकाल लियो, कलम थोड़ा शब्द शुद्धि को करेंगे, वो जरूरी है।